सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का टेक वीक के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों हम आप लोग के लेकर आए हैं आज एक नया वीडियो जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लावा के एक कीपैड फोन की। तो इसके बारे में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये जो है लावा का A1 जोस का मॉडल है, मॉडल नंबर A1 जोस है। उसके बाद दोस्तों ये मेड इन इंडिया का है। इसमें आपको 3 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो चलिए हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। तो यहाँ से हम अपने फ़ोन को जो है ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको फ़ोन में यहाँ पर देखने को मिलता है, अभी ये देखिए चार्जर बैटरी मिलता है। इसको हम साइड में रखते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं इसमें आपको और क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलता है एक फ़ोन, यहाँ पर देखिए ये लावा का जो है कीपैड फ़ोन है। इसके बारे में हम आपको साइड में इसको रखकर दिखाते हैं। अभी हम जो है इसमें दिखाते हैं और क्या क्या इसमें मिला है। इसमें हम देखते हैं पहले चार्जर की बात करते हैं। इसमें आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों इसमें आपको 5 वोल्ट का जो है आउटपुट चार्जिंग मिल जाता है। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको एक बैटरी मिलती है। देखते हैं इस बैटरी में क्या खासियत है, कितने mAh की बैटरी है। दोस्तों इसमें जो है आपको 800 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। अब इस फ़ोन में हम जो है बैटरी को डालते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक फ़ोन के सामने आपको स्टीकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टीकर जो है निकालना होता है। सो चलिए हम यहाँ पर जो है इसका स्टीकर निकाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें जो है बैटरी यूज करने जा रहे हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको 2 सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको सिम 1 सिम 2 आपको मिल जाता है। उसके बाद यदि आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहें तो आपको यहाँ पर मेमोरी कार्ड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। यानी कि आप MP3 प्लेयर यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको उसमें ये भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ मेमोरी कार्ड जो है इनपुट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलिए इसको बैटरी को लगा कर आप लोगों को फ़ोन ऑन करके आप लोगों को दिखाते हैं। सो दोस्तों यदि आप सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट फ़ोन आपके लिए साबित होने वाला है। आप इसे सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हल्का फ़ोन है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सेकेंडरी तौर पर आप कोई फ़ोन यूज कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने ये फ़ोन पहले से यूज किया है तो उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये फ़ोन जो है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।